कोरोना के इलाज में रामबाण मानी जा रही एक दवा के खिलाफ आईसीएमआर ने एडवाइजरी जारी की है। आईसीएमआर के साथ एक्सपर्ट्स ने भी इस दवा को युवाओं और महिलाओं को न देने की सलाह दी है। कौन सी है ये दवा और इसका क्या बुरे असर सामने आ सकते हैं या फिर आ रहे हैं, अगली रिपोर्ट पे नजर। कोविड की दवा पर रेड अलर्ट। कोरोना के इलाज में रामबाण मानी जा रही एंटीवायरल दवा मोलनुपिराविर पर भ्रम की स्थिति बन गई है। कोरोना मरीजों के इलाज में असरदार मानी जा रही इस दवा के सभी पर इस्तेमाल को आईसीएमआर ने रेड सिग्नल दिखा दिया है। आईसीएमआर ने साफ किया है कि यह दवा फिलहाल कोरोना के इलाज के लिए बने क्लिनिकल प्रोटोकॉल में शामिल नहीं की जाएगी। दरअसल मोलनुपिराविर युवाओं, अविवाहित और गर्भवती महिलाओं के लिए नुकसानदेह है और बच्चे पैदा करने की क्षमता पर बुरा असर डाल सकती है। वैक्सीन पर बने स्वास्थ्य मंत्रालय के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के चीफ डॉक्टर एन के अरोड़ा ने भी इस दवा का इस्तेमाल सब पर न करने की सलाह दी है। इसका जो है एक इरेशनल यूज जो है वो खतरनाक है। जो युवा लोग हैं, खास तौर पे जो रिप्रोडक्टिव ग्रुप के लोग हैं, उस एज ग्रुप में इसको नहीं इस्तेमाल करना। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मोलनुपिराविर को केवल 60 साल से ज्यादा उम्र के बीमार मरीजों को ही दिया जाना चाहिए। जानकार डिटेल स्टडी सामने आने तक हल्के लक्षणों और होम आइसोलेशन वाले मरीजों को इस दवा का इस्तेमाल ना करने की सलाह दे रहे हैं। ये जो नई एंटीवायरल मोलनुपिराविर हम बात कर रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी बहुत ज़्यादा स्टडीड नहीं है। इनफैक्ट ये टेराटोजेनिक भी है कुछ यंग फीमेल्स में, और प्रेग्नेंट फीमेल्स में तो हम बिल्कुल दे भी नहीं सकते हैं इसे। तो इसका उपयोग सिर्फ तब करना है जब डॉक्टर आपको एडवाइस करें। माइल्ड सिम्टम्स के लिए होम आइसोलेशन वाले केसेज में इस मेडिसिन को यूज करने की जरूरत नहीं है। दरअसल इस दवा को भारत के ड्रग कंट्रोलर ने 28 दिसंबर को कोरोना के गंभीर मामलों में इलाज के लिए मंजूरी दी थी। दवा का फायदा 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों या दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों में देखा गया है। हालांकि कई डॉक्टर्स इसे युवाओं को भी दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स ऐसे मामलों से बचने की सलाह दे रहे हैं। दवा बनाने वाली कंपनी का दावा है कि यह कोरोना वायरस संक्रमण के 5 दिनों में दी जाए तो अस्पताल में भर्ती होने और मौत के खतरे दोनों से बचा जा सकता है। फिलहाल ये दवा डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिल रही है। दवा की बढ़ती मांग के बीच फिलहाल देश की 13 कंपनियों ने इसे बनाने की तैयारी कर ली है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।